हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सब्ट्रैक्शन टॉपिक ऑफ क्लास वन, क्लास यूकेजी और एनी स्टूडेंट हु डोंट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट इन इजी वे। सो यू कैन सी द वीडियो एंड लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। ओके, now the first question is 19 minus 10, then how we will subtract 19 minus 10? Just see 19, the question is 19 minus 10, then how we will subtract it? हम लोग इसको subtract कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? Backward counting करेंगे, okay? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 and 9. The last number is 9. So 19 minus 10 equals to 9. Now we will see here also 9 minus 0. 9 में अगर कोई भी number 0 से हम लोग प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होगा? इफ वी, आई विल राइट हियर, इफ वी प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर विथ जीरो जीरो, द नंबर रिमेन्स the same, okay kids? इसका मतलब है अगर हम लोग कोई भी नंबर को जीरो से एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेम। तो नाइन में जीरो माइनस होगा तो क्या होगा? नाइन ही बचा, क्योंकि जीरो तो कोई नंबर नहीं है। तो हम अगर नाइन फिंगर को निकालते हैं, उसमें जीरो हम क्या कर रहे हैं? ना ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो मेरा तो बस नाइन ही बच रहा है। तो नाइन माइनस जीरो इज नाइन एंड वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सो द नंबर इज नाइन। ओके किड्स, अंडरस्टैंड? नाउ सी हाउ टू सब्ट्रैक्ट कैरी नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नंबर को कैरी करना। अब 23 माइनस 19 है, तो ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा ये हो जाता है। 19 में हम 23 कैसे माइनस करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं 23 में 19, तो जब भी हम नंबर लिखेंगे बैकवर्ड साइड से, ओके? अब ये हमारा है वंस वैल्यू, ये है टेंस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू को करते हैं तो 3 में 9 माइनस होगा? कभी भी 3 में, 3 फिंगर्स में 9 फिंगर माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है? 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9 इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके? सो ये क्या है हमारा? छोटा और बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे। किससे कैरी करेंगे? हम कैरी करेंगे इस नंबर को इस नंबर से। हम 2 से कैरी लिए यहाँ पर, तो 2 मेरा क्या बन गया? 10, ठीक है? यहाँ तो 10 प्लस 3 क्या हो गया मेरा? 13, तो ये मेरा नंबर बन गया 13। अब हम 13 में 9 माइनस करेंगे, तो 13 में 9 हम कैसे माइनस करेंगे? 9 के बाद हम फिंगर निकालेंगे 10, 11, 12, 13, ठीक है? तो कितना फिंगर निकला? 1, 2, 3, 4, तो वी विल राइट हियर 4, ओके? अब यहाँ पर मेरा क्या बच गया बच्चों? यहाँ पर मेरा बच गया 2 के साइड में मेरा क्या बच गया? आप देखो 1 बच गया, वेरी गुड। यहाँ पर ये 2 मेरा क्या बन गया? 1 बन गया, क्योंकि मैंने इसे क्या किया था? कैरी दिया था नंबर, अपना एक नंबर हमने इसे उधार के तौर पे दिया था, तो ये मेरा बन गया 1। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। सो 23 माइनस 19 इक्वल्स टू 4। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ 19 है, ये 23 है, तो 19 के बाद आप काउंटिंग कीजिए 20, 21, 22, 23, तो कितना नंबर आया 19 के बाद? 1, 2, 3, 4 हुआ ना? तो ये मेरा कितना आया? यहाँ 4 आया ना 19 के बाद से। कारण जो भी नंबर दिया रहेगा
उसके बाद हम काउंट करेंगे। अब जैसे यहाँ 18 रहता तो हम क्या करते, 18 के बाद हम काउंट करते, ठीक है, 18 के बाद हम गिनते 20, 21, 22, 23, 24, तो ये कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5। अगर क्वेश्चन रहता 18 तो ये मेरा आंसर रहता 23 माइनस 18 इक्वल्स टू 5। ओके किड्स, अंडरस्टैंड? नाउ किड्स सी सम एग्जांपल्स। ओके सो आई एम राइट हियर 26, ओके 26 माइनस 91, ओके मैं इसे माइनस करूंगी। तो हम कैसे माइनस करेंगे इसको, 6 में 9 माइनस नहीं होगा, तो इससे हमने कैरी लिया, ये बन गया वह हमारा 16। तो अब ये नंबर को हम माइनस करेंगे तो 9 के बाद हम काउंट करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना नंबर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 या 16 माइनस 9। अब आप इसको क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, 9 प्लस 9 प्लस 7 क्या 16 होता है, 9 प्लस 7 क्या मेरा 16 होगा। तो 9 के बाद हम काउंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यस 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16, तो ये 7 मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने कैरी लिया था 2 से इसको, तो ये बन गया 1, तो 1 माइनस 1 0। ओके सो 26 माइनस 19 इक्वल्स टू 7। ओके किड्स, नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स। सो अब हम लोग 3 डिजिट को सॉल्व करेंगे। अब हम 3 डिजिट्स सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब हम अगर प्लेस वैल्यूज देखेंगे तो कैसे होता है, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर 3, 6, 8, 9, 7, 2, ये मैंने अपने मन से एक नंबर को लिखा, ठीक है। अब हम इसे माइनस कैसे करेंगे, सो यहाँ देखो 3 में 6 माइनस होगा, नहीं होगा, इससे हम कैरी लिए, ये क्या बन गया 13। तो 6 के बाद हमको 13 तक काउंटिंग करना है, तो 6 के बाद हम काउंट करेंगे 7, 8, तो हम फिंगर लेके करते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कितना फिंगर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 13 माइनस 6 क्या हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ 8 मेरा क्या बन गया, 8 मेरा बन गया 7, ठीक है। अब क्या 7 में 9 माइनस होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 छोटा नंबर है, 9 बड़ा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने कर लिया, इससे हम कैरी किए, 7 से हम कैरी किए, तो ये 7 क्या बन गया, ये बन गया 17। अब 17 में 9 माइनस करना है, तो 9 के बाद हम गिनते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 9 और 17 में कितना हो गया, यहाँ पे 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितना फिंगर हो गया 3 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है। तो ये 9 प्लस 8 क्या होता है 17, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मेरा 7 क्या बन गया 6। अब 6 में 2 माइनस करेंगे, तो क्या 6 में हम 2 इजी वे में माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे कैरी नहीं करना है, तो आप 6 टेक आउट योर 6 फिंगर, टेक आउट योर 6 फिंगर एंड पुट ऑफ योर 2 फिंगर्स, सो द रिमेनिंग वन इज 4, सो दिस इज इजी वन। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 100 8 10s and 7 1s। ओके किड्स, अंडरस्टैंड इट? सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट
आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम मोर वीडियोज फॉर यू एंड कीप लर्निंग किड्स. बाय बाय.